हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये माउस ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे एडिटिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए। तो लेट्स सी कैसा है ये। आज इसका पार्सल आया है। सो अच्छा, माउस भी जोरदार है। अब ये चलाने में एकदम यू कंफर्टेबल रहेगा। एडिटिंग अब फास्ट होगी, आपके लिए वीडियो जल्दी आएगी। आज का प्लान हुआ बिल्कुल कैंसिल, क्योंकि आज मैं शूट पे नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि कपड़े धोने वाली बाइक कल से नहीं आई है, तो दो दिन के कपड़े पड़े हैं, तो मैं अभी दो दिन के कपड़े धो रही हूँ। तो आज अभी तो कितनी बची है, 3:30 होने आ गई है और अभी मैं फ्री हुई नहीं हूँ। मैं कब जाऊँगी, कब शूट करूँगी, क्योंकि शूट में भी थक जाते हैं, इसलिए। तो आज का रखते हैं कैंसिल, अभी धुल रहे हैं कपड़े, आपको दिखाते हैं, चलो। ये यहाँ पर धुल रहे हैं कपड़े, एक दिन के लगभग धुल चुके हैं, दूसरे दिन के ये दर्द धो के रखे, इतने में ये धुल जाएंगे और पानी में अच्छे साफ हो जाएंगे, तब तक हम दूसरे धोएंगे। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा है। और मैंने मेरी बिंदी 3 बार लगाई और तीनों बाल निकल चुके हैं। अब मैंने सोचा फ्री होके ही लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बार बार निकल रही थी। कपड़े तो धुल रहे हैं, क्यों ना इसके बीच में आपसे बात भी की जाए। YouTube पे क्वेश्चन डाला था कि निपेश मेरा मेकअप करे या फिर मैं निपेश का, तो बहुत जनों ने बोला कि निपेश मेरा मेकअप करे ऐसा। तो हम कुछ दिन में प्लान करेंगे, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी, प्लान कर रहे हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का बहुत मूड था, पर काम ही इतना ज़्यादा था, तो फिर सोचा कैंसिल रखते हैं। यहीं रख दो, इस पर ही सुखाना। थैंक्स फॉर द हेल्प। कौन कौन तो क्या बेचारी, सब औरतें धोती होंगी। मैं ऐसे साड़ियों को समेट के फिर सुखाती हूँ, ताकि कपड़े जब समेट रहे हो तब दिक्कत नहीं हो। आज स्टैंड मुझसे गिर गया, ओह टूट भी गया। आज ये स्टैंड मुझसे टूट गया ये, इसको थोड़ा सा टेम्परेरी ऐसे अटका के रख देंगे, जिससे अपना काम चल जाएगा। चिको, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। क्या वो सजेशन भी था, यानी आप चाहो तो सजेशन भी दे सकते हो। रूम के साथ थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। क्या एक्सपेरिमेंट करना? जैसे कि थोड़ा यूँ अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी थोड़ा सा सब मैं भी सोचता रहा था। कैसा कैसा हो गया देखो ना, सब आप करने वाले हो, हालांकि कुछ ना कुछ नया 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 लाते रहते हो। मैंने भी कुछ सोचा है। क्या सोचा है बताओ। हाँ बताओ ना, जैसे कि इस टाइप से पूरा है, तो थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और अच्छी तरह सेट करते हैं, यानी। तो देखते हैं क्या है, मेरे माइंड में कुछ चल तो रहा है, जैसे कि ये जो अलमीरा है उसको कॉर्नर में शिफ्ट कर दूंगी, और ये जो ड्रेसिंग टेबल है उसको इधर साइड लगा दूंगी, ये दोनों साइड टेबल हट जाएंगे और बेड थोड़ा इधर साइड खिसक जाएगा। देखते हैं ये कैसे सेट होता है। कल के व्लॉग में मैं आपको प्रॉपर पूरा मेरे दिमाग का जो प्लान है वो पूरा सेट करके बताऊंगी, मैं मेरे रूम को कैसे सेट कर रही हूँ। हाँ, इसके साथ मैं व्लॉग भी शूट करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा मैं कैसे सेट कर रही हूँ। तो अभी आधे कपड़े धुल चुके हैं और आधे मैं धो रही हूँ, आधे सुखा भी दिए हैं। मेरे लगभग सारे कपड़े धुल चुके हैं, बस अब जो सेकंड ट्रिप थी उसको सुखाना बाकी है। तो पूरा वॉशिंग एरिया जो भी था वो कंप्लीट क्लीन कर दिया है, और जाना है कपड़े सुखाने। चलो उधर साइड पूरा भर चुका है, इसलिए हम जो बचे कुचे कपड़े उनको यहाँ पे सुखाने के लिए आए। अभी हम इस टेबल को थोड़ा चेंज कर रहे हैं,
ये जो पार्ट है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि माउस रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यानी एडिटिंग वगैरह करने में, तो इसको हम थोड़ा नीचे कर देंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो चलो इसको मॉडिफाई करते हैं। ये रही हमारी टूल किट और ये रहे हमारे मैकेनिक, काम चालू कर रहे हैं। तो फास्ट निकलता है। वाओ, चिक्कू बन गया मैकेनिकल इंजीनियर। पीछे वाला गेट निकालने में एक बार दिक्कत हुई थी, अब तो हो ही नहीं है, एक झटके में निकालो। मैंने मस्ती में बोल तो दिया काटने के लिए टूल है यानी लकड़ी को, पर इतना छोटा कहाँ कटेगा। फिर अभी गए हैं कुछ एडजस्टमेंट हो सके यूं करके सेट करने के लिए। इतना टुकड़ा उस वाले लकड़े से हमने कट किया है जिससे हमारा जो बेस है वो नीचे आ जाएगा। जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के कटवा के आए, ठीक है, सक्सेस होगा, हो जाएगा। ये जो ऊपर था उसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब कंप्लीट ये पूरा सेट हो चुका है, अब कंफर्टेबल रहेगा इसलिए, तो हमारा काम हो गया। चलो मेहनत रंग लाई। अब हो गई हूँ मैं फाइनली फ्री और इसी के साथ मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नहीं कर रखा है तो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।